इसी कड़ी में शुक्रवार को पूरे भिलाई में भी एकादशी का त्योहार मनाते हुए घर घर गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी विवाह का मोहक दृश्य देखने को मिला। कुछ स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से एकत्र होकर माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया। दीपावली और छठ पर्व बीत जाने के बाद एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को देव उठनी भी कहते हैं। मान्यता है कि त्योहारी सीजन में सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आते हैं और इसी दिन अपने अपने धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा भी चली आ रही है, जिसे भिलाई वासियों ने पूरे विधि विधान के साथ निभाया। गन्ने का मंडप सजाकर माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया और इस मौके पर गीत भी गाए। कुछ स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से इस त्यौहार को पूरे विधि विधान के साथ मनाया और तुलसी चौरे के ऊपर गन्ने का मंडप बनाया और दिए जलाकर तुलसी विवाह संपन्न किया। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण भी उपस्थित लोगों में किया गया। विष्णु प्रिया जो तुम को देवी तो तर जा। ओम जय तुलसी।